अब्बा हुजूर मान जाइए ना। नहीं अब्बा हुजूर मान जाइए ना। नहीं 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 नहीं। जा बना की जय हो। क्या हुआ जहाँ बना, किस बात के लिए शहजादे सलीम मनवा रहे हैं आपको? अरे बीरबल क्या बताएं आपको, सुबह से हमें परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना दोस्त बना लीजिए। अरे जहाँ बना तो शहजादे सलीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीरबल आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं और ऊपर से ये घमौरियां, खुदा ने भी क्या चीज बनाई है, अच्छे खासे बादशाह को बंदर बना दिया है। जहाँ बना ये लीजिए आपकी घमौरियों की दवाई, आपकी खुजली के लिए खास खजुराहो से मंगाई है हमने, एक बार से लगा लीजिए घमौरिया गायब। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह, हम आपकी दानिशमंदी के कायल हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम घमौरियों से घायल हैं? हम जानते हैं कि हर साल गर्मियां जाते ही और बारिश के शुरू होते होते आपको घमौरियां आ जाती, इसलिए पहले से हमने दवाई मंगा के रख ली थी। क्या बात है बीरबल, क्या बात है, इसे कहते हैं असली दोस्त। आइए हमारे गले लग जाइए। खुदा आप जैसा दोस्त हर किसी को दे। अब्बा हुजूर, खुदा ने आपकी फरियाद सुन ली। आइए आइए, हमारी चौपाल जैसी चौड़ी छाती पे गले लगकर हमारी दोस्ती को कबूल कीजिए। आइए। नहीं कोई जरूरत नहीं, आइए ना अब्बा हुजूर। नहीं हमने मना किया ना। अब्बा हुजूर मान जाइए। नहीं 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 नहीं। अब्बा तौहीन, शहजादे सलीम की तौहीन, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। जाने दीजिए जाने दीजिए, हमें पता है बदला कैसे लेंगे। अम्मी जान, ये लात उनको बड़ी भारी पड़ने वाली है। अम्मी जान, अब्बा हुजूर की लात तो पहले से ही बहुत भारी है और वो खुद भी तो एक बड़े गुब्बारे की तरह मोटे हैं। क्या कहा आपने? वो छोड़िए, अच्छा हुआ आप आ गए यहाँ पर। सलीम ने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा और आपने उसका हाथ ठुकरा दिया। आपको ऐसी बातें शोभा देती है? पानी साहब आप पहले इससे पूछे कि किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है ये हमसे, उसके बाद ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अरे ये भी कोई दोस्ती और दुश्मनी हुई? हमारे यहाँ तो छोटे 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 बच्चे जो है ना, बचपन से अपने पिताजी को दोस्त दोस्त ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त करके बुलाया करते थे। हाँ अच्छा, और दोस्त को क्या बुलाते थे? पिताजी 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 पिताजी। कमाल करती है, दोस्ती करने आए बड़े। अब्बा हुजूर क्या आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने, हम आपकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपको हम जूतों से मारें, आपको उल्टा पेड़ से लटकाएं, आपको गधे पे घुमाएं, बस। फिर ठीक है, हमें लगा कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि शाही खून है हम, इसलिए हमें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। भाई साहब देखिए ना क्या हो रहा है, सलीम बेटा जहाँ पना से दोस्ती करना चाह रहे, लेकिन जहाँ पना है उनका तो बस एक ही दोस्त है बीरबल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जहाँ पना ना सही, मामू जान तो है। शहजादे सलीम हम आपको अपना दोस्त बनाना चाहते। नहीं, हम अपनी दोस्ती के लिए अपने इकलौते मामू जान को नहीं खो सकते, हमें तो दोस्ती करनी है तो सिर्फ अब्बा हुजूर के साथ। हम आपको अपना बेटा मानते हैं, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस बस, हम आज इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए, आपकी बाकी की बेइज्जती हम कल कर देंगे, जाइए। सलीम ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, सुनार दीपेश, बहुत अच्छा सोने का पानी चढ़ाया है आपने हमारी गदा पर, अब लग रही है ये शाही गदा। शाही खून है हम, शाही गदा है हमारी। हम चलते हैं। पैसे पैसे आप अब्बा हुजूर से ले लेना।
शाही कदा। अरे दीपेश, अच्छा हुआ आपने हमें पकड़ लिया, वरना हम गिर ही जाते। गिर जाते? अरे मर जाते आप। जैसे ही आप जमीन पे गिरते, आपका सर इस गधा से टकराता और गधा जमीन पे टकराती और आपका सर फट जाता। आप मर जाते, ऊपर पहुंच जाते, अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतना सब कुछ हो जाता? हाँ, वो तो अच्छा है कि हमने आपको बचा लिया। शुक्रिया, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बस? अरे आपको तो हमें कोई इनाम देना चाहिए, इनाम देना चाहिए कोई। हाँ जरूर जरूर, लेकिन ये लीजिए, ये सोने का पानी चढ़ी हुई गदा हमारी तरफ से आपके लिए इनाम। गदा? भला हम इस गदा का क्या करेंगे? ये लो खींचो। हाँ पत्ते खींचने के लिए कहा था, पैर तोड़ने के लिए नहीं। एक बार दोबारा चीखना, हमें तुम्हारी चीख दोबारा सुननी है, क्योंकि हमने ये चीख पहले कहीं सुन रखी है। दोबारा चीखना मतलब ऐसे कैसे चीखे? अच्छा ठीक है, ऐसे चीखना, पकड़ो। वही चमगादड़ जैसी चीख, वही मुंह की बदबू, वही बंदर जैसी शक्ल, कहीं तुम वही बेवकूफों वाला मिजाज, वही शाही अंदाज और वही अरबी घोड़े जैसा मुंह, कहीं तुम बकर खान, हमारे बचपन के दोस्त, बदमाशियों के बादशाह। सलीम, हमारे बचपन के दोस्त, बेवकूफों के सरताज। तुम्हें याद है कि तुम हमें अपने ही बगीचे से आम चुराना सिखाते थे? और तुम्हें याद है, तुम्हारे अब्बा ने मेरे पीछे शाही कुत्तों को दौड़ाकर मेरा हाल बेहाल कर दिया था। तुम्हें याद है कि तुम जब हमारे घर आते थे तो हमारे घर से हमारी कीमती चीजें चोरी हो जाती थी। और तुम्हें याद है कि उसी चोरी के कारण तुम्हारे अब्बा तुम्हें नई चीजें दिलाते थे। हमें तो लगा कि तुम अपनी हरकतों की वजह से किसी काल कोठरी में बंद हो गए। और मुझे लगा कि तुम्हारे अब्बा ने तुमसे तंग आकर तुम्हें देश निकाला दे दिया होगा। हमारे दोस्त वकार खान। सलीम। वाह शहजादे वाह, क्या महल बनाया है आपने, वाह वाह। हाँ कर दी ना छोटी बात। अरे हम शहजादे सलीम हैं, शाही खून हैं हम। ये महल हमने नहीं बनाया, हमारे मजदूरों ने बनाया है। क्या पिताजी, फिर हार गए आप। चलो चलो, हम आपको कुछ खास लोगों से मिलाते हैं। पिताजी अगली बार आप अगर बीरबल जी से हारे ना, तो मैं बीरबल जी को अपना पिताजी बताऊंगा। चुप रहे बेवकूफ। देखो वासु, हम किसे लेके आए हैं। मुझे पता है, आप गदा लेने गए थे। ओ, सलीम भाई साहब, आप गदा की जगह इंसान ले आए हो। उस दुकानदार ने आपका गदा बना दिया। अरे चुप कर गधे। शहजादे सलीम, ये कौन है? मामू जान, ये हमारे बचपन के दोस्त, हमारे सबसे अजीज, सबसे प्रिय मित्र वकार खान। और वकार खान, ये है हमारे मामू जान, वजीरे आजम। और ये है हमारे मामू जान का बेटा, हमारा छोटा भाई वासुदेव। शहजादे सलीम, ये तो बिल्कुल आप पे गया है। शकल से नहीं नहीं, अकल से। खैर वासु, खींचो। ओ, लो, लो, खींच दिया। हमें नहीं, पत्ता खींचो पत्ता। अरे तुमने तो अपने आप को ही खींच लिया है, मस्करा निकला है मस्करा। वैसे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। वकार मियां वैसे रहते कहाँ हैं? वैसे रहना तो हम भी ऐसे ही महल में चाहते हैं,
मेरा मतलब है कि हमने भी ऐसा ही महल बनवाने का हुक्म दे दिया है। जैसे ही तैयार होगा हम वहां चले जाएंगे। तब तक कोई छोटे मोटे महल में किराए से रह लेंगे, और अगर कोई बचपन के मित्र ने हमें उसके महल में रहने को कहा ना, तो हम हरगिज नहीं रहेंगे। अच्छा, हम तो तुम्हें बोलने ही वाले थे कि तुम हमारे महल में रुक जाते जब तक तुम्हारा वो महल तैयार नहीं हो जाता। क्या आप नाराज मत होइए शहजादे सलीम, हम यही रुक जाएंगे। आप बोलिए तो सही, हम यही रह जाएंगे। वैसे शहजादे सलीम, आपके ये मित्र पत्ते खिंचवाने के अलावा करते क्या? अरे ये तो क्या करते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाप दादाओं की इतनी दौलत है कि दोनों हाथ से भी उड़ाएंगे ना तो कभी खत्म नहीं होगी। वैसे इनकी तारीफ सब करते हैं, आप भी करो। ये है राजा बीरबल, हमारे पूरे राज्य के मंत्री, मतलब हमारे अब्बा हुजूर के सबसे अजीज आदमी। मतलब तुम्हारे अब्बा के मुलाजिम हैं। वैसे हमें ऐसे वैसे लोगों से मिलवा के हमारा वक्त जाया मत कीजिए। जब सामने ऐसी तड़कती भड़कती चीज खड़ी हो, इनसे भी हमारा परिचय करवाइए जरा। चलिए चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कौन है ये जन्नत की हूर? छोड़िए। अरे आपके लिए तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये है तानसेन जी, हमारे राज गायक। बस बस। और ये है हमारी सबसे खास, हमारी मुगलिया सल्तनत के दरबार की शान, राज नर्तकी उर्वशी। अच्छा, तो कोई नृत्य दिखाइए, हमें भी खुश कीजिए जरा। छोड़िए। अरे छोड़ने के लिए तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना। पकड़ना नहीं, हमें ताकना छोड़िए। मजाक मजाक कर रहे हैं। वो क्या है कि ये हमारे बचपन के सबसे अजीज दोस्त हैं, वकार खान। वैसे ये हमें बहुत पसंद है। समझ गए शहजादे, हम समझ गए। इतनी जल्दी? आपके इतने अच्छे दोस्त जो हैं। हम चले। शहजादे सलीम उठिए, शहजादे सलीम, शहजादे उठिए, शहजादे उठिए। कौन है? अरे मैं हूँ शहजादे। क्या है? चलिए चौसर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चौसर है? हाँ। अरे लेकिन अभी तो मुर्गे ने बांग तक नहीं दी। ये लीजिए, दे दी। चलिए अब चौसर खेलते हैं। अरे उठिए शहजादे, उठिए। चलो 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 चलो। ला 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 ला। शाही खून है हम, शाही खून है हम, शाही खून है हम। शहजादे। अरे वकार कैसे हो? चलिए मदिरा पीते हैं। हाँ चलो। क्या पीते? मदिरा। हे वकार, सुबह सुबह? और हमें माफ करना दोस्त, हम मदिरा नहीं पीते। अरे जो पीते नहीं वो जीते नहीं। आइए हम आपको सिखाते हैं कि मदिरा कैसे पी जाती है। और आप शहजादे हैं, शाही खून है आप, शाही खून। हाँ, शाही खून है हम, लेकिन मदिरा। अरे इतना मत सोचिए। अरे अरे चलिए 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 चलिए। तो
तुम्हें मालूम है कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे मित्र। शुक्रिया शुक्रिया। मालूम है तुम्हें? हाँ मालूम है। नहीं, तुम्हें मालूम है? मित्र हमें सब मालूम है, इस जाम को मालूम है, इस झूमर को मालूम है, इस ताश को मालूम है, इस फर्श को मालूम है, सबको मालूम है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तुम्हें ये पता है कि हम उर्वशी से निकाह करना चाहते हैं। अरे तू कर लो, किसने रोका है तुम्हें? खुद उर्वशी ने। हम इतने सालों से उसके आगे पीछे घास डाल रहे हैं, लेकिन वो है कि चारा खाती नहीं है। अरे तो उर्वशी क्या तुम्हारी गाय है? कनीज है तुम्हारी कनीज, उससे तुम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हाथ पकड़ के निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर उर्वशी ने निकाह करने से मना कर दिया तो? तो इधर एक तरकीब बताता हूँ। उधर उधर। अभी हमने पकड़ा ही कहा जो तुझे छोड़ दे। तुझे? शहजादे सलीम, आपने मदिरा पी है? हाँ, हमने पी है, क्योंकि जो पीता नहीं वो जीता नहीं, है ना दोस्त पक्का? सही कहा सलीम। शहजादे सलीम, मदिरा पीना बुरी बात है, ये आप कैसी कैसी आदतें डाल रहे हैं, अगली बार से मत पीना। आती तो बिल्कुल बीवी की तरह है सलीम। ये सिर्फ डांटती ही नहीं है बरखुरदार, जरूरत पड़ने पर ये गुर्राती, डराती और नोचती भी है। हम उस सब की आदत डाल लेंगे, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि हम अगले इतवार को इस लड़की से ये 56 छुरी हम इस लड़की से अगले हफ्ते निकाह करेंगे। छोड़िए। अरे अभी हमने पकड़ा ही कहा जो छोड़ दे, अभी तो हम पकड़ेंगे। शहजादे सलीम, अपने शादी का ये बेसुरा ढोल जबरदस्ती मत पीटिए, ढोल फट भी सकता है। तानसेन जी बोलिए, आप अपने गले को ना ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, वरना गला दब भी सकता है। छोड़िए, छोड़िए। बस बस बस, हमने फैसला कर लिया है कि हम अगले हफ्ते तुमसे निकाह करेंगे। शादी का न्योता होता है, शादी का तोहफा होता है, पर शहजादे सलीम तो शादी की धमकी देकर चले गए। भला ये भी कोई तरीका होता है? ये सब इस वकार खान के बहकावे में आके कर रहे हैं शहजादे सलीम। हम कह देते अगर हमें ये शादी करनी पड़ी ना तो हम अपनी जान दे देंगे। इस आफत और इसके दोस्त का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये तो हमारी जान ही ले लेगा। हर मुश्किल का एक ही हल है। बीरबल। क्या बीरबल, आपने रात के इस पहर में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ वही तो। माफ कीजिएगा जापाना, पर बात ही कुछ ऐसी। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? सलीम जो पहले से निकम्मा और नाकारा था, वो और भी ज्यादा निकम्मा और नाकारा हो गया है। जापाना एक पुरानी कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। वैसे ही वकार मियां के संगत में शहजादे सलीम बिगड़ रहे। जापना वकार मियां ने शहजादे सलीम के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। दिल तो ठीक है बीरबल, लेकिन इस वकार खान ने सलीम में दिमाग कहां से ढूंढ लिया? ये तो वही बात हो गई कि उसने रेगिस्तान में नदी ढूंढ ली है। इस वकार खान से हम भी मिलना चाहेंगे।
ची 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 ची। आज भी तुम्हारे अब्बा तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मतलब बचपन में तो बिल्कुल नहीं करते थे, सबके सामने तुम्हें डांटते थे, मुझे सब याद है। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना हक मांगो अब्बा से। हमारा हक वो तो हम मांग ही लेंगे, लेकिन कोई ये तो बताए कि हमारा हक है क्या। मैं बताता हूँ। ये कोई गाने का वक्त है? हम नहीं गा रहे जहां पर ना, सामने देखिए। शहजादे सलीम संभालिए अपने आप को। अब्बा हुजूर, फरमाइए। अब्बा हुजूर, अभी इसी वक्त हमें हमारा हक चाहिए। हक? कैसा हक? पूरी रियासत में हमारा भी हक है, इसलिए हमें इस रियासत का बंटवारा चाहिए। क्या?